हेलो फ्रेंड्स, सबको हमारे यूट्यूब चैनल SNP टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में वाईफाई के जरिए नेट कनेक्ट करा के अपने नेट चलाते हैं तो आप जब अपने वाईफाई को कभी नेटवर्क को कनेक्ट कराते हैं तब इस प्रकार कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे जो ये प्रॉब्लम आ रहा है वो किसके कारण आता है और इसे कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो हम जानेंगे। दोस्तों तो इनसे हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर वाईफाई का निशान यहाँ पर आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं वाईफाई पर और यहाँ पर दो यहाँ पर आ रहा है हॉटस्पॉट का नेम आ रहा है दोस्तों, तो हमें इसे कनेक्ट कराना है। तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले को कनेक्ट कराते हैं तो कनेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग के लिए प्रोसेस ले रहा है। थोड़ा सा वेट करना होगा, सम टाइम हम वेट कर लेते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब अपने वाईफाई को कनेक्ट कराते हैं दोस्तों, जब आपके सामने इस प्रकार का कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इसे क्लोज कर देना है। तो इसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद में आपके सामने से पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, तो इसे आपको फुल इसे स्क्रीन खोल लेना है। उसके बाद में आपको मैनेज वायरलेस नेटवर्क पे जाना है। कहाँ पर जाना है, यहाँ पर मैनेज वायरलेस नेटवर्क पे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इतना लिस्ट दिए गए दोस्तों, जो हॉटस्पॉट होता है उनका यहाँ पर नेम दिया गया दोस्तों। आज तक आपने जितना भी हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट कराया है उनका यह नेम आ गया है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको जो हॉटस्पॉट को आप कनेक्ट करा रहे हैं अपने वाईफाई से उसका नेम क्या है। तो यहाँ पर देख लिए सेकंड नंबर पर जो या फर्स्ट पे आ गया, अब जो फर्स्ट पे जो हॉटस्पॉट का नेम आ रहा है दोस्तों वो हॉटस्पॉट का नेम यहाँ पर देखना है आपको, वो हॉटस्पॉट का नेम कहाँ पर शो हो रहा है तो फर्स्ट पे वो शो हो रहा है यही है। और यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कराना चाहते हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम इस पर राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको रिमूव नेटवर्क पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद में इसे यस बटन पर क्लिक कर देना है, ऐसे आपको रिमूव कर देना है इसको। तो हमने ऐसे रिमूव कर दिया, उसके बाद क्लोज कर दीजिए। फिर से आपको कनेक्ट कराइए इसको, तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं ऑटो, यहाँ पर कनेक्ट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर लेते हैं। जब भी वाईफाई जो हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट ले लेगा, तो कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो पासवर्ड मांग रहा है, पहले पासवर्ड भी नहीं मांगता था, पहले डायरेक्ट एरर दे देता था। अब पासवर्ड मांग रहा है तो हम पासवर्ड को एंटर कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने पासवर्ड को एंटर कर दिया तो कनेक्ट ये हो गए, कनेक्ट हो गए दोस्तों। इस तरह आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मोबाइल से इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको जो हॉटस्पॉट का नेम होता है दोस्तों वो नेम को आपको चेंज कर देना है दोस्तों। ये प्रॉब्लम तब आता है जब अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड तो चेंज करते थे दोस्तों, बट अपना ये जो हॉटस्पॉट का जो नेम होता है दोस्तों वो नेम चेंज नहीं करते हैं दोस्तों। इसके कारण ये सब प्रॉब्लम आता है दोस्तों। जब भी नेक्स्ट टाइम अपना हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड चेंज करते हैं तब आपको अपना हॉटस्पॉट का नेम भी चेंज कर देना है, यानी पासवर्ड हॉटस्पॉट का नेम होता है दोनों एक साथ चेंज कर देना है। अगर पासवर्ड ही चेंज करेंगे और हॉटस्पॉट का नेम चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो 100% आएगा आपको चेक कर लेना। इस तरह का प्रॉब्लम जरूर आएगा, अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा दोस्तों। जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करें तो आपको हॉटस्पॉट का नेम भी चेंज करना है दोस्तों, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने ना आए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।